हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वाटर कलर पेंटिंग, जो कि एक डार्क का पोर्ट्रेट है। तो मैं पहले जो इसका पोर्ट्रेट है उसको मैं आउटलाइन है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं वाटर कलर करूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, सब स्टेज को आप लोग फॉलो करो। तो आप लोग देखते रहो कैसे कैसे मैं करता हूँ। आप लोग एक बात ध्यान पे रखना, जिस चीज़ की आप आउटलाइन कर रहे हो ना, जैसे तैसे वो कर लो। यहाँ पे मेन खेल है कलर का, कलर से ही सब कुछ। यहाँ पे टेक्चर है, जो कुछ भी है वो वाटर कलर से होने वाला है, इसलिए वाटर कलर का यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना। तो मैं वाटर से, मैं पहले जो मेरा पेपर है उसको मैं गीला कर लूँगा, इससे अच्छा होता। इसी प्रोसेस से मैं मेरा सब वाटर कलर पेंटिंग में ड्रॉ करता हूँ, सेम इसी ट्रिक का यूज़ करके। तो अब मैं कलर को कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट लेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर बहुत ही धीरे और हल्के कलर से करना पड़ेगा। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड लेयर पे जाएंगे। तो फर्स्ट लेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं फिर से जो डार्क है उस डार्क पे मैं फिर पानी से गीला कर लूँगा, फिर उसके ऊपर कलर को मैं दूँगा। तो जो हमारा डार्क है, डार्क पे भी फर्स्ट लेयर हो गया है। तो मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेकंड लेयर पे जाऊंगा। सेकंड लेयर पे जो जो कलर मुझे देना पड़ेगा वो मैं दूंगा। तो आप लोग देखते रहो और इस पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और मेरा चैनल पे आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो देखते रहो। अब मैं हाईलाइट को देने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ मैं करूँगा। वाइट जेल पेन है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा वाइट कलर लेके जो वाटर है, वाटर पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ। सो मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।